इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको WhatsApp पर इस तरीके से लिखा आता है, कनेक्टिंग का इशू आता है आपके आईफोन में, तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, WhatsApp के अंदर ये इशू कब आता है, ठीक है? ये ज़्यादातर आईफोन के अंदर ही आता है, एंड ये तब क्रिएट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर WhatsApp को खोलता हूँ, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन पहले आ रहा था। रीज़न क्या था इसका? देखिए, रीज़न इसके दो तीन हो सकते हैं और सबके सबको मैं सल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक बार डाउन सर्वर की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए कि सर्वर वगैरह तो डाउन नहीं है। अगर सर्वर वगैरह डाउन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप एक दफ़े सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप व्हाट्सएप में डायरेक्टली जाइए, ठीक है? और व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर ये वाला, ठीक है, लोकल नेटवर्क, एंड यहाँ पर रिफ्रेश ऐप, ये स्टार्ट होना चाहिए आपका, ठीक है? तो ये बेहतर रहता है यहाँ पर, ये दोनों चीज़। एंड अब मैं आपको इसका एक्चुअल रीज़न बताता हूँ कि एक्चुअल रीज़न क्या रहता है। इससे पहले आप एक दफ़े जो है अपने ऐप स्टोर पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपके व्हाट्सएप में अपडेट आ रहा है या नहीं। अगर व्हाट्सएप में अपडेट आ रहा है तो अपडेट को कर लीजिए। यहाँ पर जब आप व्हाट्सएप को सर्च करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है? तो आपको अपडेट कर लेना अगर अपडेट आए, ठीक है? अब आपको एक्चुअल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो व्हाट्सएप आता है वेटिंग फॉर नेटवर्क, ये तब आता है जब आपका इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता हुआ होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर हॉटस्पॉट कनेक्ट है। अब मैं यहाँ पर वाईफाई को अपनी बंद करता हूँ, यहाँ पर डिसकनेक्ट हो गया। व्हाट्सएप में दोबारा जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको, एक दफ़ा बंद करके खोलता हूँ मैं, तो यहाँ पर ही आ गया, देखिए, वेटिंग फॉर नेटवर्क। और अगर हम यहाँ पर कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम वाईफाई से कनेक्ट हो गए, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कनेक्टिंग का इशू दिखाएगा। मतलब अगर नेटवर्क आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट का रिचार्ज या वगैरह आपके मोबाइल में से रिचार्ज वगैरह ख़त्म हो चुका है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर कनेक्टिंग का इशू दिखाएगा, ठीक है? तो कनेक्टिंग का इशू इस वजह से दिखाता है कि आपका नेटवर्क कनेक्ट रहता है लेकिन इंटरनेट आपको नहीं मिल पाता है। तो अगर आप इंटरनेट इसको प्रोवाइड करवा देंगे तो आपको व्हाट्सएप में इस तरीके का इशू फिर नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका, सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।